तो ये देखिए गाइस, केक जो है वो जा रहा है सीधा, नहीं पकड़ रखा ना तूने, रुक तिरछा है बेटे, ठहर। ढंग से पकड़ियो बे, देखना गिरा दियो कहीं। जाओ गाड़ी में रखो पापा के पास जाके, ठीक है। क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल का मौसम ये देखिए जी, मौसम बहुत ही असम वाला मौसम है। असम वाला इसलिए क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा हुई हुई है और धूप भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो बहुत दिन हो गए आपसे फेस टू फेस बात ही नहीं हो पा रही, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो अभी आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या किया। बहुत सारा काम कर दिया अभी सुबह से, लेकिन आपके साथ शेयर ही नहीं किया। आजकल क्या है ना कि सर्दियों में काम जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन छोटा होता है ना और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर करना पूरा दिन निकल जाता है घर के ही कामों में और बच्चों के साथ, और बच्चे जो है ना इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो बस पूरा टाइम उसमें निकल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में सभी। और छुट्टियां भी पड़ रही है ना बच्चों की आजकल, तो आजकल तो बच्चों ने सबके कान खाए हुए होंगे सच्ची में, है ना। हमारे यहाँ पर जो सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो हमारे तो सबके बच्चों की यहाँ पर छुट्टियाँ हुई हुई है भाई, और बस सच्ची में बहुत कान खाए हुए, सोच रहे कि कब स्कूल खुल जाए और ये स्कूल को चले जाएँ। सच्ची में बच्चों के साथ तो भगवान जाने, स्कूल में इतने सारे बच्चों को ना टीचर कैसे संभालते होंगे। लेकिन वहाँ पे ये होता है ना कि एक स्कूल का माहौल बना हुआ होता है, तो फिर घर में ऐसा होता है कि घर में तो घर ही होता है ना, जैसा भी हो। तो चलिए, आज हमारे लहसुन की गुड़ाई लगी हुई है, मम्मी वहाँ गए हुए, मैं घर में ही थी। यहाँ पे मैं कर रही थी सिलाई, मुझे सिलाई का काम था, क्योंकि मैं जैसे केक वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसके जो बैग हैं वो मैंने लाए हुए हैं, लेकिन वो बैग ना बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे केक के बैग होते हैं ना, उसके लिए तो स्पेशल से ऑर्डर देना पड़ता है, तो वो तभी अगर आपको बहुत सारे बनाने हैं तो इतने सारे तो भाई अभी तो मतलब बहुत ही स्मॉल छुटकू सी बेकर हूँ मैं ना, छुटकू से लेवल का मेरा काम है। तो महीने में अगर 4-5 केक के ऑर्डर आ जाते हैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ, और वो तो तभी अगर आपको डेली 1-2 ऑर्डर मतलब डेली आए, है ना। इतने तो अभी नहीं आते, कभी कभी तो महीने में मतलब 1-2 ही होता है। रोज़ रोज़ किसके आएंगे ना गांव में जन्मदिन, आप सोच ही सकते हैं। अगर तो कहीं मार्केट में रहते हैं ना, बाज़ार में, अब जैसे सोलन में अगर मैं वहाँ पे काम करूँ, तो वहाँ पे तो मतलब कोई ना कोई होता ही है कि दिन में कोई ना कोई आ ही जाता है, है ना। वहाँ पे तो जैसे पूरे मतलब इधर पूरे एरिया के लोग आते ही होंगे, लेकिन घर में गाँव से मैं काम करती हूँ, तो वहाँ को तो वही जो मतलब अपने या कोई रिश्तेदार होते हैं जो नज़दीक में, या फिर जो गाँव में होते हैं यहाँ पर कोई, या फिर जान पहचान वाले होते हैं, या कई बार हस्बैंड के दोस्त होते हैं उनका होता है, तो बस वही होते हैं ज़्यादा। और तो उनके जो बैग थे उसको मैं काट रही थी बीच से, बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है ना, अजीब सा लगता है, फिर वो डब्बा नीचे होता है और वो इतना लंबा होता है, क्योंकि बॉक्स जो होता है वो केक का बड़ा होता है ना, बॉक्स बड़ा होता है और फिर वो लंबा होता है, तो उसको मैं काटती हूँ ना और फिर उसके वो कर देती हूँ, 2 पीस कर लेती हूँ और फिर उसको छोटा कर देती हूँ। तो बेसिकली ये है कि केक का डब्बा जो होता है वो चौड़ा होता है, तो उसके लिए बैग जो है उस हिसाब से चाहिए। तो जो कैरी बैग होता है ना, सामान उठाने वाला होता है, जिसमें हम राशन वगैरह लेके आते हैं, वही वाले बैग जो है वो मैंने लाए हुए हैं, तो वो ना ख़त्म भी होने वाले हैं अभी। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, डब्बा ऐसे ही हाथ में दे देंगे तो प्रॉपर वे में अच्छा लगता है कि जिस तरीके से हम बेकरी से लेके आते हैं वैसे ही। तो अभी वो मैंने बनाए काफ़ी सारे तो नहीं, 15-16 बनाए मैंने वो ना, मतलब उसमें सिलाई मारनी है काट के और फिर दोबारा उसको सिलाई मारनी होती है, तो उतना काम मैं खुद कर लेती हूँ, मशीन में इतनी सी टेलर तो मैं हूँ। तो आप बोलेंगे कि आज ये बातें ही करेगी बहुत ज़्यादा, आज मैं बहुत सारी बातें ही कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आज मुझे दिख रहा है यहाँ पे हरा हरा साग, तो मम्मी दिन में ना खेत गए थे, हमने लगाए हैं लहसुन गुड़ाई करने के लिए वहाँ पे दिहाड़ी पे, तो वहाँ से लेके आए हैं सरसों, और वहाँ से सरसों लेके आए, तो सरसों का जो है हम साग बनाएंगे। और ये देखो नैनो गड्डी मेरी, नहीं ऐसे नहीं करते रहो, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका साग बनाऊँ, या सोच रही हूँ कि इसकी सब्जी बनाऊँ। तो चलिए, ये गड्डी कहाँ से आई? टोपी आई, टोपी मैं लगती हूँ आपको, मैं लगाती हूँ अपने बच्चों को। आपने छोना है? नहीं छोना। चीजी कहाँ है अभी? चीजी कहाँ है? जूस नहीं, जूस से जुखाम आता है। नहीं नो जू आ जाएगा फिर। टोपी लगा दूँ मैं आपके सिर में, रुको सार्थक। टोपी मम्मा, ये देखो ये है सार्थक की टोपी, इसने ये ना लगाई नहीं है सिर में, और आज हवा भी चली हुई शाम के टाइम, बहुत ज़बरदस्त वाली हवा, और हवा से तो ठंड लग रही है भैया, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जूस या नहीं नहीं नहीं
नहीं जूस नहीं पीना, देख नींबू पानी बन रहा है। क्या होता है वो? दीदी को देना। अच्छा ठीक है ओके। तो ये देखिए जी, ये लाया हुआ है साग, ये है तो ये साग है। देखो सरसों जो है ना वो फूलनी शुरू होगी खेत में, तो इसमें से मैं साफ साफ पत्ते जो है ना वो निकालूंगी और इसका हम साग जो है वो बनाएंगे। साफ साफ पत्ते निकाल के, तो चलिए सबसे पहले तो मैं समदा रख लेती हूँ अंदर। तो आजकल तो सर्दियों के दिन है जी, और आजकल तो मतलब आग में ही जान प्राण जो होती है ना सारी की सारी बसती है, और गांव में तो काफ़ी ज़्यादा चूल्हा जलता है। तो यहाँ पे मैं समदा जो है हमने घर के पीछे रखी हुई है ना, इसको मैं यहाँ पे लेने आ गई हूँ। काफ़ी मोटी मोटी भी आपको दिख रही होंगी यहाँ पे ये। तो ये जैसे काटते हैं ना, मतलब हमारे जैसे बगीचे वगैरह में होती है कटाई, तो उसकी सारी कुछ हमने ये इकट्ठी करके रखी हुई होती है। एक साल की दूसरे साल को ये जो है काम आ जाती है। तो यहाँ पे सारी की सारी समदा इकट्ठी करके, और मैं ना अपनी ब्लॉग में आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मेरा डेली रूटीन होता है, मतलब जिस दिन मैं जो काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे कई बार कहते भी कि आप कितने केक बनाते हो, तो मैं क्योंकि एक होम बेकर हूँ और मेरा काम है केक बनाना, तो जब मैं केक बनाती हूँ तो मैं आपके साथ केक शेयर करती हूँ। और भाई आज बनेगा कद्दू, ये देखिए कद्दू, इसको काटेंगे हम और ये कद्दू बनेगा आज। कद्दू कद्दू काटेंगे, कद्दू आज बनेगा कद्दू। तो ये जो कद्दू है ना पका हुआ पीला कद्दू, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाने में ना हरा कद्दू नहीं लगता जितना टेस्टी ये पीला कद्दू लगता है। तो मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ कद्दू के लिए। तो चाहे इसकी चटपटी सब्जी बनाए, चाहे खट्टी मीठी चटनी बनाए, मतलब खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाए, या इसकी ना मीठी दाल भी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो डाली हुई है ना, तो आप देखिएगा मेरे चैनल पर मेरा सबसे पहला व्लॉग जो है वो मैंने कद्दू की मीठी दाल ही डाली है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। सर्दियों में हमारे बहुत बनाई जाती है, बहुत मतलब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। अगर आप कद्दू नहीं भी खाते होंगे ना, तो आप कद्दू खाना स्टार्ट कर देंगे, इतना टेस्टी लगती है कद्दू। सर्दियों में मिलने वाला स्पेशल कद्दू। तो जी अभी हो चुका है रात का टाइम, रात के बज चुके हैं, पौने 11 हो चुके हैं ना, 11 बजने वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं सोने, और खाना खुना वगैरह सब कुछ हमने खा लिया। और टाइम ना कब निकल जाता है, तो 10:15 बजे को बर्तन वर्तन धो के होती है, उसके बाद फिर बच्चों के पैर वगैरह धोने होते हैं, बच्चों के पैरों की मालिश, और अभी इसको देखो पानी पीना है आधी रात को। तो हर रोज़ ऐसे ही होता है, मतलब 11 तो बज ही जाते हैं, कितना भी जल्दी करती हूँ ना 11 बज ही जाते हैं। मतलब पता नहीं लोग बोलते कि जल्दी तो मैं भी करती हूँ, लेकिन इतना टाइम ना हो ही जाता है। फिर कभी एक, अब बच्चे जो होते हैं ना, कभी एक बैठ जाता है गोदी में, अभी 7 तक भी छोटा है, कभी इसका मन होता है मम्मी गोदी से उठता ही नहीं है, तो फिर काम जो है ना वही काम ही रुका बैठ जाता है। गर्म पानी पीना पड़ेगा, पर गर्म नहीं, हम नहीं पीना रात को ठंडा पानी। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ये देखो ये ठंडा पानी पीने की।